फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग तो हमने पहले भी बनाया, लेकिन हमने अपने बारे में नहीं बताया था कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यूट्यूब पर इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मेरा नाम सीमा है और मैंने अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। मेरे तीन बच्चे हैं, चेतन, ये सिमरन। हेलो। सिमरन सबसे बड़ी है, ये चेतन है और ये सब और सबसे छोटा ये रीति अखरोट। अखरोट तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ब्लॉग बनाना इसलिए स्टार्ट किया कि ताकि मैं पैसे कमाऊँ। इसलिए कि मेरा ना बहुत मन था कि मेरा भी मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, तो कि अपनी थोड़ी पहचान बने। तो पैसों के लिए नहीं, लेकिन ये है कि देखो अपनी ना एक पहचान हो जाती है यूट्यूब पर। तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है कि ये नहीं कि किसी चीज़ की कमी है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। तो वीडियो एक कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके पापा नहीं दिखाई देते हैं, इसके पापा इसलिए वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि इसके पापा जो ड्यूटी गए हुए हैं अभी, वो छुट्टी पे आएंगे तब उनसे मिलाएंगे आपको। तो इसके पापा जो हैं वो आर्मी में हैं, इसलिए वो अभी ड्यूटी गए हुए हैं। पहले तो हमारे साथ रहते थे, लेकिन अभी उनकी जो पोस्टिंग आ चुकी है तो हम लोग अभी पटियाला में रह रहे हैं, तो इसलिए इसके पापा कहीं गए में चल जाएंगे अब मैक्स से मिलने, तो इसलिए हम यहाँ पटियाला में रह रहे हैं। तो ये बच्चे हैं मेरे तीन, तो हमने इसलिए व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है कि ताकि हमारी भी कुछ यूट्यूब पर पहचान हो। कमी किसी चीज़ की नहीं है, भगवान का दिया है सब कुछ है ना रीति? हाँ, देखती हो रहा है। हाँ, तीन बच्चे हैं मेरे पास, दो लड़के एक लड़की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे यूट्यूब पर पहचान बने, आप लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया है, लेकिन अपना ये मैंने अपना पूरी जानकारी नहीं दी थी। हम सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। ये देखिए चेतन कैसे हंस रहा है हम सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यमुनानगर मेरा मायका है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगी, वरना मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर अपनी पहचान बना सकूं। थोड़ा बोलने में थोड़ी वाह हो रही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे को, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। इसके पापा से भी मिलवाएंगे, जब इसके पापा छुट्टी आएंगे तो उनको आपसे भी मिलवाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग के कमेंट थे कि इसके पापा वीडियो में क्यों नहीं आते, तो वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें वो ड्यूटी पे गए हुए हैं, जब वो छुट्टी आएंगे तब उनसे आपको मिलवाएंगे। तो अभी वो छुट्टी आएंगे कुछ दिनों बाद, तो आप लोगों को उनसे मिलवा देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसके पापा क्यों नहीं आते। इसके पापा हमें नहीं रोकते कि मतलब वो ये नहीं बोलते कि तुम ब्लॉग मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। वो सोचते हैं कि तुम अपनी मर्जी है भाई, तुम जो कुछ करो, लेकिन ये नहीं कि कोई ये बोले कि, जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि तुम क्यों बना रही हो, किस चीज़ की कमी है घर में, तुम वीडियो क्यों बना रही हो, लेकिन वो उनको पता है कि कमी तो किसी चीज़ की नहीं है हमें, लेकिन ये है कि मैं ये सोचती कि हमें भी भाई देखो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, हमें भी कोई हमारे नाम से जाने, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच कीजिए। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खीर बना रही हूँ। सिमरन बोलती कि मम्मी खीर बना देना मेरे लिए, उसके लिए खीर बनाऊँगी। उसको खीर खानी थी, बोलती मम्मी खीर खानी है मेरे को। बोलती जब पापा होते तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हो। अभी क्या है, पहले इसके पापा हम लोगों के पास ही रहते थे, अभी क्या है थोड़ा दूर चले गए हैं वो। तो बोलती अभी पापा आएंगे तो पापा के सामने तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी।
अब बनाती तो तुम लोग खाते कहाँ हो मतलब, तो इसलिए इसकी मनपसंद आज खीर बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसके लिए थोड़ा खीर बना देती हूँ। बना रही हूँ खीर क्योंकि सिमरन का मन कर रहा था, बोल रही थी मम्मी खीर बना दो, तो मैं खीर बना रही हूँ उसके लिए। उसका बहुत दिनों से मन कर रहा था खीर खाने का। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी सच्चाई आप लोगों को बता दी है कि मैं कौन हूँ, कुछ लोगों के कॉमेंट आ रहे थे तो आप लोगों को मैंने बता दिया है मैं कहाँ से की हूँ, कहाँ से रहने वाली हूँ। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके आगे। बस मैं यही चाहती हूँ कि देखो सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, पहचान तो है, ये थोड़ी बड़ी पहचान है कि मेरा हस्बैंड फौज में है, लेकिन ये है कि थोड़ा अपना भी इंसान की वो होती है ना कि हाँ भाई हमें भी कोई हमारे उससे जाने। तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो ये मेरी सच्चाई थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं अभी सिमरन के लिए खीर बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे कल, तभी के लिए बाय बाय।